बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द लर्निंग ऑफ साइंस फॉर क्लास वन। लर्निंग ऑफ साइंस फॉर क्लास वन, लेट्स ओपन द बुक्स। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 14। यूनिट नंबर 14 इज अ साउंड, इज अ साउंड, आवाज। यूनिट नंबर 14 इज अ साउंड। Dear children, you know that we hear are with our ears, and there are so many different sounds around us, people, birds, animals, machines and many more things make sound. यानी बच्चों, आप जानते हैं कि हम लोग जो हैं वी हीयर विद आर ईयर्स, हम लोग सुनते हैं अपने कानों की मदद से। यहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें होती हैं, डिफरेंट मैनी साउंड्स होती हैं, जिसमें लोगों की आवाज़ें हैं, बर्ड्स की आवाज़ें हैं, पीपल, बर्ड्स, एनिमल्स एंड मशीन्स हैं एंड मैनी अदर थिंग्स मेक साउंड्स, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो हैं जो साउंड जो हैं पैदा करती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स, साउंड्स कैन बी लो और हाई, यानी ये लो भी हो सकती हैं और हाई भी हो सकती हैं। अ स्पैरो मेक्स लो साउंड्स एंड अ मशीन मेक्स हाई साउंड्स। जो ये स्पैरो होती हैं इनकी आवाज़ लो साउंड्स होती हैं, एंड जो मशीन्स होती हैं मेक्स हाई साउंड्स, उनकी आवाज़ें बहुत ऊंची होती हैं। नो लुक एट दिस जेट, इट्स अ लाउड साउंड। ये मशीन है, ये भी बहुत ज़्यादा लाउड साउंड्स पैदा करती है। उसके बाद ये स्पैरोज हैं, एंड स्पैरो मेक्स लो साउंड, ये उनकी आवाज़ें जो होती हैं ये लो होती हैं। सम साउंड्स आर प्लेजेंट लाइक म्यूजिक, कुछ ऐसी साउंड्स होती हैं जो खुशगवार होती हैं, लाइक म्यूजिक, एंड वी लाइक टू हीयर म्यूजिक, तो हम लोग जो हैं वो म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। सम साउंड्स आर प्लेजेंट लाइक म्यूजिक, और कुछ इस तरह की आवाज़ें होती हैं जो म्यूजिक पैदा करती हैं, वी लाइक टू हीयर म्यूजिक, तो हम लोग जो हैं वो म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। सम साउंड्स आर अनप्लेजेंट, और कुछ जो होती हैं वो अनप्लेजेंट होती हैं, एंड लाउड लाउड लाइक द साउंड्स ऑफ ट्रैफिक और अ बार्किंग डॉग, जैसे कि ट्रैफिक की आवाज़ या एक कुत्ता जो भौंकता है। लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड डिस्टर्ब अस, बहुत ज़्यादा जो लाउड और अनप्लेजेंट साउंड्स होती हैं ये हमें डिस्टर्ब करती हैं। सम साउंड्स आर प्लेजेंट अनप्लेजेंट लाइक द लाउड साउंड एंड लाइक अ साउंड ऑफ ट्रैफिक और अ बार्किंग डॉग, एंड लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड्स आर डिस्टर्ब अस, एंड सम साउंड्स आर प्लेजेंट लाइक अ म्यूजिक, एंड वी लाइक टू हीयर द म्यूजिक। हाउ साउंड्स आर मेड, व्हेन थिंग्स मूव्स टू एंड फॉर फ्रो वेरी क्विकली इट प्रोड्यूस साउंड्स, यानी जब कोई भी चीज़ जो है वो मूव करती है टू एंड फ्रो वेरी क्विकली एंड इट प्रोड्यूस साउंड, तो ये जो है ये आवाज़ पैदा करती है। दिस मोमेंट इज कॉल्ड वाइब्रेशन, और ये जो मोमेंट होती है इसको वाइब्रेशन कहा जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेक साउंड्स बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ये वाइब्रेशन से जो है वो आवाज़ पैदा होती है। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मेक साउंड्स बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस की मदद से इनमें से साउंड पैदा होती है। लाइक अ गिटार और अ ड्रम, व्हेन वी स्ट्राइक अ ड्रम व्हेन विद अ स्टिक इट सरफेस वाइब्रेट एंड मेक साउंड। यहाँ पे देखें उसने कहा है जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मूव करती हैं फ्रो वेरी क्विकली एंड इट प्रोड्यूस साउंड, और इससे साउंड पैदा होती है। दिस मोमेंट इज कॉल्ड वाइब्रेशन, इसको वाइब्रेशन का नाम दिया जाता है। जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेक साउंड्स बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो साउंड्स पैदा करते हैं वाइब्रेशन के साथ। लाइक अ गिटार और अ ड्रम, जैसे कि गिटार है या ड्रम है, तो उसको आप जब व्हेन वी स्ट्राइक अ ड्रम विद अ स्टिक, यानी जब हम स्टिक के साथ इसको ड्रम को हिट करेंगे, एंड एट स्टिक इट्स सरफेस वाइब्रेट, इसकी जो सरफेस है वो वाइब्रेट करेगी एंड मेक साउंड, और इससे जो है वो साउंड पैदा होगी।
assessment and activity. Write T if the statement is true and write F for the false statement. यहाँ पे देखिए machine cannot make sounds. Machine, it's a false statement. We hear our with our ears. Yes, this is a true statement. The sound is all around us. Yes, this is a true statement. Musical sounds are not pleasant. This is a false statement. Loud sounds are unpleasant. Yes, this is a true statement. Filling in the blanks with the help of the giving words. यहाँ पे कुछ words हैं low, disturb, high, machines and musical. तो उसके साथ आपने इन filling the blanks को fill up करना है. People, birds, animals and dash make sounds. Machines make sounds. A sparrow makes low sound. Dash sounds are pleasant. Musical. Loud and unpleasant sounds are disturb us. Sounds can be low and high. Look around you and write the three names of pleasant and unpleasant sounds. Pleasant sounds are music sounds, music, and birds. Bird sounds and teacher sound. Unpleasant sound is a traffic sound. And horn sounds and machine sound are the unpleasant sounds. Now write the answer of the following questions. यहाँ पे कुछ questions हैं, उसमें आपने उसके आंसर लिखने हैं. राइट द नेम्स ऑफ फाइव थिंग्स विच मेक साउंड्स. फाइव थिंग्स विच मेक साउंड्स. नंबर वन इज डोर्स एंड फैंस. Birds, and which makes sounds. Traffic, dogs, animals. And traffic. Next, what is vibration? Vibration क्या है? इसमें इसने कहा है
कि द मोमेंट इज कॉल्ड वाइब्रेशन व्हेन थिंग्स मूव्स टू एंड फॉर वेरी क्विकली व्हेन थिंग्स मूव टू क्विकली व्हेन थिंग्स मूव to and fro away very quickly it produced though very quickly this moment is called its moments is called vibration. इसको vibration कहा जाता है. Next question, last, how sounds are produced? आवाज़ें कैसे पैदा होती हैं? How sounds are produced? Musical instruments make sounds because of vibration. Musical instruments produced sounds due to vibration. जो musical instruments होते हैं उनसे आवाज़ें पैदा होती हैं due to vibration. तो इट्स मीन्स sounds produced due to vibration. Sounds produced due to movement and vibration. यहाँ पे आपके आंसर क्वेश्चंस भी कंप्लीट हुए और यूनिट नंबर 14 जिसमें साउंड के बारे में हमने पढ़ा था वो भी कंप्लीट हुई. इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लाइट के बारे में. इसमें यूनिट नंबर जो हमारे पास 13 थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा लाइट के बारे में. तो उससे पहले हम लोगों ने यूनिट नंबर जो 8 थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज़ द यू कैन सी द स्काई. आप आसमान पे सूरज चांद और सितारों को कैसे देखते हैं और किस टाइम देख सकते हैं. द स्काई मून एंड द स्टार्स. उससे पहले हम लोगों ने यूनिट नंबर 7 में पढ़ा द अर्थ यानी हमारी जो ज़मीन है आर होम हमारा जो घर है. द अर्थ आर होम. द अर्थ आर होम. ये सारे यूनिट्स जो हैं ये यूनिट नंबर 7 यूनिट नंबर 8 उसकी एक्सरसाइज आपने कंप्लीट की और यहाँ पे आपके पास यूनिट नंबर 7 यूनिट नंबर 8 द स्काई मून एंड द सन एंड द स्टार्स ये जो है ये भी कंप्लीट की. उसके बाद 7 के बाद आपने यूनिट नंबर 8 कंप्लीट की. फिर हम लोगों ने मूव किया यूनिट नंबर जो है 13 पे लाइट एंड शेडो यानी जो रोशनी है और उसका साया वो यूनिट हमने उसको थॉरली पढ़ा. उसके बाद उसकी जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट की जिसमें हमारे पास जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स थी और उसके बाद इसमें मैचिंग कॉलम्स थे अनस्क्रैपेबल अनजंबल वर्ड्स थे. उसके बाद हमारे पास आंसर क्वेश्चंस थे. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा साउंड के बारे में यूनिट नंबर 14 में साउंड और साउंड में हमारे पास जो थी प्लेजेंट साउंड्स और अनप्लेजेंट साउंड्स थी तो उसके बारे में पढ़ा. फिर उसकी एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट की. नो यू हैव कंप्लीटेड योर थर्ड टर्म सिलेबस. नाउ किड्स आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स. ओके बच्चों अल्लाह हाफिज़. वीडियो पसंद आए तो लाइक करें अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.